हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जेडीडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लेकर के आ गए हैं आपका पार्ट थ्री मॉडल पेपर, नर्स एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर थ्री आपके सामने हम लेकर के आ गए हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री का क्वेश्चन फर्स्ट। जितना बताए थे उसके आगे से ये क्वेश्चन है। एक एमआई के मरीज को एस्पाइरिन दी जाती है, इसका क्या कार्य है? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए रिड्यूस फीवर, ऑप्शन बी रिड्यूस क्लॉट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी एंटी प्लेटलेट एक्शन एंड ऑप्शन डी रिड्यूस पेन। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर सी एंटी प्लेटलेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछे बीएमआई तो उसका फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स किस फार्मूले द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए वजन किलो प्लस लंबाई मीटर में, ऑप्शन बी वजन किलो माइनस लंबाई मीटर में, ऑप्शन सी वजन किलो मल्टीप्लाई लंबाई मीटर में स्क्वायर एंड ऑप्शन डी वजन किलो लंबाई मीटर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न संरचना बाएं फेफड़े का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सुपीरियर लोब, ऑप्शन बी मिडिल लोब, ऑप्शन सी इन्फीरियर लोब एंड ऑप्शन डी कॉर्डियक नोच। ओके, राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी मिडिल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े हुए आईसीपी की अवस्था में मरीज को निम्न एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवॉइड मतलब मना। ओके, ऑप्शन ए टर्निंग, ऑप्शन बी डीप ब्रीथिंग, ऑप्शन सी कॉफिंग, ऑप्शन डी मोशन एक्सरसाइज, ऑप्शन सी राइट आंसर कॉफिंग। बढ़े हुए आईसीपी की अवस्था में मरीज को कॉफिंग एक्टिविटी को मना करना चाहिए। नेक्स्ट, एनिमा देते समय मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन ए प्रोन, ऑप्शन बी शपाइन, ऑप्शन सी लिथोटोनी एंड ऑप्शन डी सीम्स लैटरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सीम्स लैटरल। नेक्स्ट, विटामिन सी संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विटामिन आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड, ऑप्शन ए विटामिन आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ऑप्शन बी विटामिन एक्ट सो को एंजाइम
ऑप्शन सी विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड ऑप्शन डी विटामिन आर एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन एक्ट सो कोएंजाइम। विटामिन से संबंधित ये जो कथन है चार, इसमें से ये सही है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पिना बिफिडा बिफिडा का संबंध है वो किससे है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब एंड लास्ट ऑप्शन डी यूरेटर। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर बी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइना बिफिडा का संबंध है स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे भी स्पाइना है और यहाँ पे भी है, तो स्पाइना बिफिडा और स्पाइनल कॉर्ड। तो क्वेश्चन ने पूछ दिया कि स्पाइना बिफिडा का संबंध किससे है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला, फीडिंग ट्यूब की जीआईटी स्थिति की जांच हेतु सबसे सही तरीका है। ऑप्शन ए ऑस्कुलेशन, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी पीएच टेस्टिंग एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑल अबव। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर बी एक्सरे। फीडिंग ट्यूब की जीआईटी स्थिति की जांच हेतु सबसे सही तरीका एक्सरे है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि पता होना चाहिए सभी को और पता होगा भी, उम्मीद रखते हैं। सब्जियों को धोने से निम्न तत्व की हानि होती है। ऑप्शन ए विटामिन्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल एंड लास्ट ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन। सब्जियों को धोने से विटामिन हानि होता है, यानी लॉस होता है, विटामिन जो तत्व है ये लॉस होता है सब्जियों को धोने से। वैसे मार्केट की सब्जियां आजकल जो आ रही हैं धो लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मिलावटें बहुत ज्यादा हो गई हैं, दवाइयां खाद्य पदार्थ। बट नेक्स्ट, जबड़े को तंत्रिकी सप्लाई निम्न द्वारा होती है। ऑप्शन ए टेम्पोरल नर्व, ऑप्शन बी मैक्सिलरी नर्व, ऑप्शन सी ओप्थाल्मिक नर्व एंड लास्ट ऑप्शन डी जिगोमैटिक नर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, मैक्सिलरी नर्व। ओके, नेक्स्ट, सेंटीग्रेड तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में परिवर्तन निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए एफ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई एन 5+3 2। अरे ये कहाँ से आ गया यार, हटाओ, ओ माय गॉड। ऑप्शन बी एफ इक्वल टू सी प्लस 9 5+3 2। ऑप्शन सी एफ इक्वल टू कोष्टक में सी माइनस ब्रैकेट 9 5+32। ऑप्शन डी एफ इक्वल टू ब्रैकेट सी प्लस ब्रैकेट 9 5+32। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में परिवर्तन किस फार्मूले द्वारा होता है, जिसका फार्मूला ये है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज 42% तक
जला हुआ है तो उसकी स्थिति क्या होगी? ऑप्शन ए फेयर, ऑप्शन बी गुड, फेयर मीन्स सुंदर, गुड मीन्स अच्छा, ऑप्शन सी पुअर यानी बुरा खराब एंड क्रिटिकल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्रिटिकल। एक मरीज 42% तक जला हुआ है तो उसकी स्थिति बिल्कुल क्रिटिकल होगी। नेक्स्ट, लिवर सिरोसिस का सर्वाधिक कॉमन कारण है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी बाइल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल्कोहल। लिवर सिरोसिस का सर्वाधिक कॉमन कारण अल्कोहल है। लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, अल्कोहल। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? जहां ना समझ में आए कमेंट कर लेना। नेक्स्ट, अस्पताल में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी व्हाइट, ऑप्शन सी ब्लैक एंड व्हाइट डोपो एंड ऑप्शन डी ऑरेंज। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर, सभी को पता होगा, गेस करो जल्दी से, कमेंट करो। चलिए अच्छा बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ब्लैक एंड व्हाइट टॉप। अस्पताल में प्रयुक्त तो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है उसका रंग काला और सफेद होता है। अगला, शरीर में निम्न अंग की संख्या मात्र 7 है, किसकी? ऑप्शन ए लंग्स यानी फेफड़ा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑप्शन डी ओवरी। कौन सा आंसर सही होगा जिसकी संख्या 7 है? आपके बॉडी पार्ट से है तो पता होना तो बिल्कुल है, जरूरी है। आइए देखते हैं, राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, ओवरी। लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट, एंक्सियोलोटिक ड्रग से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, गलत है? ऑप्शन ए दीज आर आल्सो कॉल्ड हाइपनोसेडेटिव, ऑप्शन बी दीज ड्रग्स प्रोड्यूस डिपेंडेंस, ऑप्शन सी दीज ड्रग्स प्रोड्यूस रिलैप्स एंग्जायटी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि ये इसका सही आंसर है, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट, मस्तिष्क में स्थित ऑर्टेरियल एनास्टोमोसिस है। ऑप्शन ए वुलर अर्च, ऑप्शन बी ब्रैकियो शेफोलिक, ऑप्शन सी सर्कल ऑफ विलिज, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी ब्रैचियल प्लेक्सस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्कल ऑफ विलिज। मस्तिष्क में स्थित अर्टेरियल एनास्टोमोसिस सर्कल ऑफ विलिज है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कशेरुक की संख्या, ये हम आपको पहले बताए हैं, इसलिए इसमें मार्क है, एडिट किए थे वीडियो आपके लिए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 22 एंड लास्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी 44। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33। सो लॉक द ऑप्शन नंबर बी 33। मानव शरीर में कुल कशेरुक की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट, समुदाय में हेल्थ स्टेटस का पता निम्न से चलता है। ऑप्शन ए
टू एथ रेट, ऑप्शन बी आई एम आर, ऑप्शन सी क्रूड बर्थ रेट, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी जी एफ आर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रूड डेथ रेट। समुदाय के हेल्थ स्टेटस का पता क्रूड डेथ रेट के द्वारा चलता है। नेक्स्ट, क्रिएटिनिन किस ग्रंथि से संबंधित है? ऑप्शन ए थायरॉइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रेनल एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी पैनक्रीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थायरॉइड। नेक्स्ट, बच्चों को प्रतिदिन कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1000 केसीएल, ऑप्शन बी 1000 टू 2000 केसीएल, ऑप्शन सी 1500 टू 2000 यानी 2000 केसीएल, लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 2000 टू 2500 केसीएल। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी 1000 से 2000 केसीएल। बच्चों को प्रतिदिन कैलोरी की रिक्वायरमेंट, लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट, कोलोस्टोमी इरिगेशन हेतु प्रयुक्त के थिएटर की उपयुक्त लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 cm, ऑप्शन बी 30 cm, ऑप्शन सी 20 cm एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी 15 cm। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 cm। कोलोस्टोमी इरिगेशन हेतु प्रयुक्त कैथेटर की उपयुक्त लंबाई 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सेंट्रल फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट, टीबी के उपचार का आधुनिकतम तरीका है। ऑप्शन ए बीसीजी वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी डीओटीएच डॉट्स, ऑप्शन सी मास स्क्रीनिंग एंड ऑप्शन डी एमडीटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीओटीएस। टीबी के उपचार का आधुनिकतम तरीका डॉट्स है। नेक्स्ट, नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी इंटरवेंशन, ऑप्शन सी प्लानिंग एंड ऑप्शन डी इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर असेसमेंट। नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है असेसमेंट। सो राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर ए। लॉक करते हैं ऑप्शन ए को। असेसमेंट नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ओके, आज के लिए इतना ही। और वैसे भी मॉडल पेपर खत्म हो चुका है। 2-4 क्वेश्चन है जो कि हम आपके क्वेश्चंस में ऐड कर देंगे, जो न्यू आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे उसमें ऐड कर देंगे। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, टेक केयर गाइस, लेट्स स्टार्ट योर रिवीजन।